देखो आज से पहले ना मैंने किसी को ये कर दे तो नहीं देखा है भाई। 27 की केडी की सर 14 घंटे में कॉन्क्रीट, ये कैसे हो रहा है भाई? सबसे पहले हमारे पास अरे भैया आ रहे हैं, अपनी गड्डी के नीचे ग्रेनेड फेंका। लोगों को आजकल जब तक ऐसे शॉट ना मारो ना मजा नहीं आता, समझ रहे हो? लाइक ये कंपलसरी हो गया है, अपने ही नीचे ग्रेनेड लगा के उस पर कूद रहा। हेलो कमल माता हादी, ये क्या हो भैया के साथ? स्कैम हो गया थोड़ा सा, कोई नहीं। है ये कुछ अलग है, ये मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा आज से पहले। ये क्या है? उसको काटम काटिंग करके किल चुरा लिया। पर एनिमी उसे लूट रहा है भाई, क्या चल रहा है भाई? भाई मैं एक को ज्यादा देख रहा हूँ गेम में कि कुछ अजीब ही नहीं चल रहा है। लोग कैसे किसी को भी मार रहे भाई। ओके भैया यहाँ पे वेक्टर लेकर के ये चाकू फेंक के मार ये भाई क्या ही बोल सकते। देखो भाई आप कुछ नहीं हो सकता इस गेम में गाइस, चाकू पड़ जाएगा। ओके ये किधर है भाई? अच्छा विकेंडी है। वो तीन लोग मिलके एक बंदे को रिवाइव दे रहे, क्या चल रहा है वो? है वो खुद नॉक हो गया जोन के बाहर। अरे भाई ये क्या है भाई साहब, शर्म आनी चाहिए भाई। ओके भैया ऊपर चढ़े। अरे भाई साहब जो ऊपर थप्पड़ मारा है भाई, ये जो महंगी वाली AWM है ना ये बहुत बाप गन है भाई, मतलब कुछ भी मारती बताओ, ट्रिपल हेडशॉट भाई। लोगों का एम क्या हो गया भाई, मिस भी करते कि नहीं आज के टाइम में? ये क्या कर रहा है, करना क्या चाह रहे हो मेरे भाई? व्हाट आर यू डूइंग? आर यू डूइंग समथिंग डिफरेंट दैट आई डोंट नो ऑफ? अगर tam gösterdiğim yere gelip bir tane teleport atıyoruz. Sonrasında yere eğilip böyle biraz daha sağa doğru gittik. Hayır mera lan dimağ phat jayega bhai, mazak set ke kya ye? Çok basit gençler, bu arada Arapça bilenler varsa bu sonda. Ye kahan se kahan teleport maar raha hai londa? बड़े बड़े रैंगल में ऐसी बातें होती रहती है, बताओ दीवार के अंदर जमीन में घुसा हुआ है नूबड़ी का, जमीन में घुसा है। ओके भैया यहाँ पर M416 लेकर के, ओह वाओ लेफ्ट लेकर के कान के नीचे दिया भाई साहब, आसमान में लेट के मार रहा है। हमारे प्रो प्लेयर से ड्रॉप शॉट बनाया इन लोगों ने, आसमान में उड़ के ड्रॉप शॉट मारना शुरू कर दिया है। ये भैया तो ग्रेनेड फेंक रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। ओके भैया यहाँ पर उतरे RPD। अरे मेरे को याद है मैक्स, आई गेस मैक्सटन ने इस पे वीडियो बनाई थी सबसे पहले, जो कि बहुत फेमस हुई थी। मेरे को जहां तक याद है आई गेस के बहुत व्यूज आए थे इस वीडियो पे, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस थी मैक्सटन की। अरे भाई साहब ये बढ़िया मोड था, बहुत पुराना यार, बहुत पुराना, लिटरली विंटेज कलेक्शन है भाई ये, इतना पुराना है ये। भैया M416 लेकर के एक बंदे को डैमेज दिया लेफ्ट साइड से है, वाओ हनी बैजर पेल दी बंदे को, गन स्विच करी, क्या हुआ पता नहीं, इसको जिंदा तो छोड़ा नहीं होगा, मार ही दिया होगा नॉक आउट तो पड़ा था। पीछे गाड़ी आ रही है, चलती गाड़ी से M416 पड़ रही है भाई लॉन्डो को 4x पे। ले बेटा ले, लॉबी जा आगे स्वाद, राइट में मारा लेफ्ट में मारा फिर लेफ्ट में मारा, क्या चल रहा है ये करना क्या? ये रियल करेक्टर भाई, बाय बाय बाय, दिल से बुरा लगा भाई के लिए। कैप किंग ये हमारे हाउ ब्रांड भैया, जो कि लिटरली 27 की केडी के साथ 14 घंटे में कॉन्करर गए हैं, ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते हर सीजन भाई। एट दिस पॉइंट लास्ट टाइम 25 की केडी के साथ गए थे, 15-16 घंटे में, इस पर 27 की केडी के साथ। और भाई साहब बंदा क्लोज एंड में जो पेलम पाली करता है, जो अभी अभी इंटर हुआ है भाई, हवा नहीं आई भाई एनिमीज को, सही बताऊं हिट हुए भाई। राइट में एक प्लेयर को नॉक कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है, फ्री फायर मारना चालू कर रहा है बंदा, लेफ्ट साइड से आएंगे। ओ राइट पे कौन बैठा है? तो वो नॉक आउट प्लेयर है,
वो डीपीएस लेके भाग रहा है मारने यार। देखो वही गाइस, देखो डीपीएस ना बहुत गिने चुने प्लेयर्स चला पाते अच्छी, सही बता रहा हूँ मैं। ज्यादातर प्लेयर्स ना बेचारे यार मचा दिया, ज्यादातर प्लेयर्स ना डीपीएस स्कैन नहीं करती है भाई साहब। ओके यहाँ पे 1 HP है, क्या ओपन भैया यहाँ पे 1 HP क्लच कर पाएंगे या फिर इनका वक्त जितना जिंदगी बदल जाएगा, -50 का थप्पड़ लग जाएगा। ये बंदा कोने में बैठ के रिवाइव दे रहा है। ओके नेवर माइंड, वो थोड़ा सा आई गेस एब्सेंट माइंडेड था थोड़ा। भाई चार बंदे मुंह पे हिट हो गए, राइट से एक बंदे को नॉक करा, लेफ्ट से दूसरा आने वाला है भाई साहब। दो बंदे आ रहे हैं लेफ्ट से भाई साहब, हाउब्रैंड डरता नहीं है भाई, घुसने जा रहा है भाई लिटरली। भाई मैं कॉन्करर पे जाके ऐसा रिस्क के साथ तो भाई नहीं खेलता भाई, मजाक चढ़ के मैं ना ऐसा एग्रेसिव रश करता भाई। पेलम पाली अलग लेवल की भाई, लेफ्ट वाले को नॉक निकाला, फुल राइट साइड से फ्लैंक मार के भाई एनिमी को हवा ही नहीं है, उसके हेडफोन आसमान में पहुंचे हुए भाई। हाउ ब्रेड भाई क्लोज रेंज में अलग लेवल की पेलम पाली करता है भाई। ओके लेफ्ट हैंड मूवमेंट किया, बंदा कोने में दुबक के छुपा हुआ है, अपनी छोटी सी GANDी बचा रहा है कोने में दुबक करके। ओके यहां पे हाउ ब्रेड भैया है, जॉर्ज पुल में एक बंदे को डैमेज देना चालू करा, एक डायरेक्ट फिनिश हुआ है। तो दूसरी स्क्वाड आई है, दो बंदे दो आ रहे हैं, पता नहीं तीन भी हो सकते हैं। ओ भाई दी भाई टपली एस्ट्रल के की शहजादा, ओ बंदा अरे अरे। देखो गाइस शॉटगन लगती है तो ऐसी लगती है कि इंसान को हवा नहीं आती है, मैं सही बता रहा हूँ। एक और प्लेयर आ रहा है लेफ्ट से, दो और आ गए। केल की भूख एंड केड़ी के लालच ने एनिमीज को अंधा बना रखा है। अरे भाई बेचारों को क्या पेला है पकड़ के भाई। क्या पे हाउ ब्रेड भैया आया ऊपर में भाई सब गड्डी रेडी, नेवर माइंड। जहाँ पे गाड़ी रोक के वहां गुटकाधारी नागिन लेटा था एक, उसको डसा और स्प्रे पड़ रहा भाई कहीं से दूर से, आई गेस पहाड़ों के ऊपर जंगलों के बाहर से स्प्रे पड़ रहा है भाई सब। दो बंदे तो दिख गए वहां पर से, ये थोड़ा ओपन है फंस गए यहाँ पर। अरे अब यहाँ पे बचना मुश्किल हो, अब बचना मुश्किल है भाई। अब तो आई गेस दो बंदे भी नॉक हो गए, हाउ ब्रेड के HP भी नहीं है, यहाँ तो -50 का थप्पड़ पड़ सकता है दोस्त को, बट नहीं पीछे निकल जा भैया बच गए, पीछे निकल जा। अरे अरे थैंक यू, ऐसे कैसे मार पाओगे हमें इस बार तो पेलम पाली होके रहेगी। ओके राइट साइड से बंदा फ्लैंक मार के आया है, आई गेस इन्होंने रश कर दिया एनिमी स्क्वाड ने राइट साइड से पूरा एंगल बना करके, अगर तुम देखो तो राइट वालों को नॉक कर दिया वैसे हाउ ब्रांड ने, और राइट साइड से रश भी कर दिया भाई दिया भाई। ओके हाउ ब्रांड भैया यहाँ पर, ओ, 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 बंदे लग गए भाई लाइनों में दिख गए भाई दोनों भाई। ये लोग मैं बताऊं एक्चुअली देखो, अगर तुम्हें 27-25 की केडी चाहिए तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम चलती गाड़ी से बंदों को जरूर उतारो, क्योंकि बहुत सारी फाइट तो शुरू होती है ऐसे फिनिश कर देते भाई। ये लोग गाड़ी में बैठी हुए होते मजाक से के, चलती ही गाड़ी से स्क्वाड उड़ाते चले जाते भाई। अब तो 27 प्लेयर आए भाई, कॉन्कर लॉबी में 26 किलो रखे, बताओ आई डोंट नो आज के टाइम में होता कैसे भाई। क्योंकि मेरे को याद है जब मैं कॉन्कर गया था पहली बार सीजन 5 में, सीजन 5 मतलब आज से 4-5 साल पहले, पता नहीं कब आया था तब, मतलब अपन लोग ऐसे कैंप कर करके जाते थे। हालांकि मेरी तब भी 10 की केडी थी ऑलमोस्ट, 8-9 की केडी थी शायद, 10 की थी इनिशियली, फिर वो एंड में आते आते 8-9 की होगी थी। तो भाई तब तो ऐसे रश नहीं होते थे भाई जैसे आज के टाइम पे हो रहे। बताओ भाई साहब ये क्या है, अरे ये दो बंदों के मुंह पे घुस गया भाई LMG लेके। हाउ ब्रांड भैया दिखाते हुए कि क्यों वो ब्रांड है। ओके भाई का स्प्रे नेक्स्ट लेवल है भाई, ये फायर मार रहा है यार इसे इतनी एक्यूरेसी के साथ। वाओ ओके भैया एकदम टेलीपोर्ट मार करके डायरेक्ट बंदे के मुंह पे, राइट साइड से प्लेयर आ रहा है, फ्री फायर मारते हो बेट भैया गए राइट में, दोनों को दे दी टपली भाई साहब। तीसरा प्लेयर लेफ्ट से आ रहा है, अरे बाबू भैया कुछ नहीं कर पाओगे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, अलग लेवल का प्लेयर है भाई, मगर बात जिंदगी बदल जाएगा भाई तुम्हारा। फ्री फायर मारना चालू करा, एनिमी को हवा नहीं आई है, एक तो नॉक कर दिया, नेट कुक करना चालू करा है, एनिमी भी नेट फेंका है बट उनका नेट थोड़ा लेफ्ट राइट चला गया, एक फोड़ा एक और नेट फेंका है भाई, दो फोड़ दिया भाई, पता नहीं क्या यहाँ तो भाई पूरी स्क्वाड उड़ा दिया भाई ने, रेड जोन बना दिया एनिमी पे। 40 किले इस गेम में बताओ, 40 किले भाई, एनिमी भी लाइक करे तो करे, क्या जाए तो जाए क्या, बंदा 40 43 भाई
43 किल्स हो रहे भाई गेम में एक एक चलती गाड़ी स्प्रे पड़ने चालू हुए। एक बंदे को उड़ाया, दूसरा भी डैमेज। अरे भाई साहब गलत तरीके पहले पहले राइट साइड में प्लेयर है। ओ भाई वो हेडशॉट थोड़ा गलत लगा, तुम कुछ भी बोलो हेडशॉट गलत था वो भाई, गलत हेडशॉट था, मजाक चढ़ गया भाई। ओके बढ़िया नेड, एक बंदे को फोड़ा। चलो ब्रांड भाई, ब्रांड भैया रश कर रहे हैं यहां पर। ओके यार ये वाली गन भाई साहब अजीब सी लगती है मेरे को, बट बढ़िया है। एनिमी के साथ थोड़ा धोखा सा हो गया भाई, उसको उम्मीद नहीं होगी कूद के वो ऐसे मार के चला जाएगा। ये भाई हनी बैजर मार रहा है यार, यार हनी बैजर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब यार ऐसी लगती है ना मिनी स्कारल टाइप फीलिंग आती है इससे, मतलब मैं देखता हूँ बहुत बाप क्लचेस होते हैं हनी बैजर से, बट मेरे को फील अच्छी लगती है। ओ भाई साहब धप्पा भाई, एनिमी कैसे नहीं मार पाया था, हाउ ब्रांड आई डोंट नो भाई। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी थी, सारा टीपी पीता, दुनिया भर का एडवांटेज था लॉन्ड ने, तब भी पता नहीं सारा एम इधर उधर फेंक दिया गलती से, और अब जल भी जाएगा वो जल जाएगा भाई, मेरे को फीलिंग आ रही है वो ऐसा जलेगा ऐसा जलेगा। जल गया भाई, मैं कह रहा था दूसरा प्लेयर को भी जलाने की कोशिश, यहाँ पर रोजा खाओ वो भैया भाई की ऑफकोर्स रेडियो रैंक भी देख लो यार, वाई नॉट, यही तो मेन चीज है भाई। C6 सीजन 17 कॉन्करर। इंतजार की घड़ियां खत्म होती हैं, 26.61 की केडी के साथ आपके भाई ने कॉन्करर लगाया है, तो सिर्फ कॉन्करर नहीं लाया, कॉन्करर दे अंदर वाड़ के लाया है। अब इस बात का मकसद यह है कि आप लोग मेरा रैंक देख सकते हो, सीधा टॉप 12 पे ब्रेक लगाई है आपके भाई ने, और इसी के साथ बाबा जी एलिमिनेशन रैंकिंग में भी कल्ला तुहाडा भरा टॉप ते बैठा हुए, बाकी पाकिस्तान लिटिल बिट थल्ले ने। इसी के साथ बाबा जी स्पेशल रैंकिंग्स में भी काफी टाइटल्स हैं जो कि ढेर लगा दिए हमने टाइटल्स का, मिडलमैन #1, इसी के साथ गन्स लिगर #1, क्लोज एनकाउंटर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस पर मजीद ये कि लास्ट सीजन भी हाईएस्ट केडी का रिकॉर्ड था, एर की बाबा जी ऐसा अपना रिकॉर्ड आप ही तोड़ देता है। ओके की रिपोर्ट। तो भाई ये तुम्हारे हाउ ब्रांड भैया थे जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े, अगर तुम्हें एक और ऐसा प्लेयर देखने को 25 की केडी के साथ 15 घंटे में कॉन्कर गया तो तुम याद दबा करके देख सकते हो।